नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एक बार आपको मौका देकर देखिए, आप सबको भूल जाएंगे। जालंधर में व्यापारियों से बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्टर राज लाल फीताशाही खत्म नहीं की जा सकती। बस ऊपर बैठे लोगों की नीयत खराब है। ईमानदारी से सरकार चलाने का नतीजा है कि हमने दिल्ली में रेड राज बंद कर दिया। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। अवंतीपोरा के त्राल इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। ढेर हुआ जैश का टॉप कमांडर। जानकारी के मुताबिक यह एनकाउंटर त्राल के तिलवानी मोहल्ला में शुरू हुआ है। पुलिस ने सूचना दी है कि एक आतंकी ढेर हो गया है। हरियाणा में तेजी से हो रही धान खरीद, लेकिन भुगतान में देरी से किसान नाराज। एक हफ्ते बाद भी नहीं मिला पैसा। किसानों का कहना है कि नमी की मात्रा पर उलझन को छोड़कर खरीद कार्य में कोई परेशानी नहीं है। हालांकि भुगतान में देरी ने किसानों की नाराजगी बढ़ा दी है। कुछ किसानों को एक सप्ताह बाद भी खरीद का पैसा नहीं मिला है। ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों को 10 दिनों के क्वारंटाइन से छूट। सरकार ने वापस ली ट्रैवल एडवाइजरी। सरकार ने 1 अक्टूबर को ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, उसे वापस ले लिया। अमेजॉन की फेस्टिवल सेल में लैपटॉप पर बम्पर डिस्काउंट के अलावा 20,000 रुपये तक की एडिशनल छूट लेने का मौका हाथ से जाने ना दें। अगर नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या पुरानों को अपग्रेड करना है, और तो अमेजोन से लैपटॉप लेने का ये बेस्ट टाइम है। यहाँ MRP पर डिस्काउंट के साथ 20,000 तक की छूट और मिल सकती है। केजरीवाल का पंजाब मिशन। कहा, राज्य के हर शख्स को देंगे नौकरी। यहाँ के लोग व्यापार में सबसे आगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम पंजाब की बेरोजगारी को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के व्यापारियों से कहना चाहता हूँ कि हम सत्ता में आने के बाद गुंडा टैक्स और वसूली को खत्म करेंगे। सीमावर्ती इलाकों में अब इतने किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी संदिग्ध की तलाशी ले सकेगी BSF। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने BSF के तलाशी और गिरफ्तारी की नई सीमाएं निर्धारित की। दिल्ली सरकार को NTPC का जवाब। कहा, बिजली की कमी नहीं, कंपनियां सिर्फ 70% ही खरीद रही। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि बिजली संयंत्र कोयले के संकट के कारण बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रही। गति शक्ति योजना का शुभारंभ। पीएम मोदी बोली, नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। पीएम मोदी ने बहुस्तरीय संपर्क के लिए गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की है। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। भाई ने कायम की मिसाल, बहन की जान बचाने के लिए किया ऐसा काम। एक भाई ने अपनी बहन को यादगार तोहफा दिया है। बहन की समस्या सुनकर उसने किडनी डोनेट करने का फैसला किया। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर ने सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट किया। अगली खबर मुंबई से। महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट। सब्जी वाले बोले, पीछे से ही महंगी आ रही है। ग्राहकों को भी सब्जियां महंगी लेनी पड़ रही हैं। सब्जी वालों के साथ साथ ग्राहकों ने भी कहा कि महंगी सब्जी ने उनका बजट बिगाड़ दिया है। यूपी के सभी स्कूलों में लगाई जाएंगी आरोग्य वाटिका। बढ़ेगी छात्रों की प्रतिरोधक क्षमता। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने स्कूल और माध्यमिक विद्यालयों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का निर्देश दिया। आम आदमी के लिए आई बड़ी खबर। खाने का तेल सस्ता करने के लिए सरकार ने टैक्स में की बड़ी कटौती। पिछले कुछ समय से खाने के तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं इसे लेकर सरकार काफी गंभीर है। खाने के तेल की बढ़ती कीमतों पर काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अक्षय कुमार की बेलबॉटम हुई ब्लॉकबस्टर। 199 देशों में OTT रिकॉर्ड बार हुई स्ट्रीम। यह प्राइम वीडियो पर एक ब्लॉकबस्टर हिट बन गई है। बेलबॉटम ने भारत के साथ साथ दुनिया भर के 199 देशों और क्षेत्रों में 98% पिन कोड स्ट्रीम किए हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या निंदनीय, हम रक्षात्मक नहीं। निर्मला सीतारमण का ये कहना है। अमेरिका के अधिकारी की हत्या पर पहुंचे सीतारमण ने लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बारे में हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में बातचीत के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये टिप्पणी। कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या पर बोले फारूक अब्दुल्ला, समुदायों के बंटवारे का तूफान तुरंत नहीं थमा तो खत्म हो जाएगा भारत। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या करने वालों के मंसूबों को हराने के लिए मुसलमानों, सिखों, पंडितों, बौद्धों को एकजुट रहना होगा। फारूक ने बुधवार को कहा कि एक तूफान ने पूरे भारतीयता को अपनी चपेट में ले लिया है, जहां समुदायों को विभाजित किया जा रहा है, और अगर यह तुरंत नहीं रुका तो देश का अस्तित्व नहीं रहेगा।
अगली खबर, मध्य प्रदेश से अतिवृष्टि व रोग के प्रकोप से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी, लागत भी हुई दोगुनी, अब आसमान पर पहुंचे दाम। इस साल टमाटर की फसल पर अतिवृष्टि का नकारात्मक असर हुआ है, जिसकी वजह से थोक बाजार में टमाटर के भाव 1100 रुपये प्रति कैरेट पहुंच गए हैं और इसका असर आम आदमी पर भी पड़ा है और उन्हें टमाटर की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। फुटकर बाजार की बात करें तो टमाटर 70 रुपये प्रति किलो बिक रहा। दिल्ली मेट्रो NCR बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।